हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हर रोज़ की तरह नो कांटेक्ट का रीडिंग करेंगे। उसके पहले बोल दूँ, ये मेरा पर्सनल पेड रीडिंग के नंबर है, जिनको भी चाहिए वो ले सकते हो। 111 में कोई एक क्वेश्चन का आंसर मैं इस मंथ में प्रोवाइड कर रही हूँ, जिनको भी चाहिए वो ले सकते हो। ओके, और बड़े रीडिंग के लिए भी आप लोग यहाँ पर मुझे पिंग कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेनरल है, सबके लिए ओपन है, सारे रिलीजन के लिए ओपन है और सभी जेंडर देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो, सबके लिए है। ओके, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है कुछ सिचुएशन में डर रहे हैं आपके पर्सन, एग्जॉशन में है, टायर्ड फील कर रहे हैं। 99 की एनर्जी है, कोई साइकिल एंडिंग हो सकते हैं। ओके, और फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हैं फिलहाल आपके पर्सन, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, आपको खोना नहीं चाहते हैं। सारी दुनिया से छुपा के वो खुद के पास आपको रखना चाह रहे हैं। और क्या एनर्जी है, प्लीज एंजल गाइड मी। ब्रेक थ्रू, ये बहुत ज्यादा है, इसको हम नहीं लेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है एग्जिस्टेंस। तो इस बार्डन से बाहर आने के लिए उनको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं गॉड के पास, और होपफुल भी है कि एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, और बियॉन्ड इल्यूजन वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इस इल्यूजन के पीछे रीज़न क्या है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके लाइफ में एक के बाद एक जो चीज़ है वो टूट रहा है, गिर रहा है, और वो इन सारी डार्कनेस से बाहर आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, तो जो भी डार्कनेस है, जो भी अंधेरा है, जो भी नेगेटिविटी है, उनसे बाहर आने की कोशिश हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक उन्होंने जो है बाहर आ चुके हैं, और ज़्यादा टाइम लगेगा धीरे धीरे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपके पर्सन को। ओके, और एक ना एक दिन वो सक्सेसफुली बाहर आएंगे, सक्सेस इस रिश्ते में उनको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके पर्सन को मिलेगा। ठीक है, जीत हासिल ज़रूर होगा, इसीलिए आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं और सक्सेस भी चाहते हैं, और होपफुल भी है कि आगे आने वाले टाइम में आप दोनों का जो भी विशेस है, आप दोनों का जो भी रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं पे जाके जो है उनका विशेस फुलफिल होगा, आपका विशेस फुलफिल होगा, और वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, खोना नहीं चाहते हैं आपके पर्सन, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो चलिए कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पर। फिर से आज भी मून का एनर्जी आ रहा है। प्लीज एंजल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई द स्प्रिट फ्रॉम दिस डेक। एग्जॉशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर, एग्जॉशन क्यों आया है, एग्जॉशन क्यों आया है। स्पाई, कोई तो डेविलिश एनर्जी है, कोई तो परेशानी है, कोई तो कार्मिक सिचुएशन है जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में है, टायर्ड फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ से भागना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो जो भी उनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहाँ से वो चोरी छुप के भी भागना चाह रहे हैं।
ठीक है, और आपके साथ जो है रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि डेविलिश एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है, तो उन सारे सिचुएशन को आपके पर्सन काट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके बारे में भी उनको नॉलेज है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ तो उनको पता है आपके बारे में। राइबनेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर, राइबनेस क्यों आया है, कोई पावरफुल वो डिसीजन लेना चाहते हैं विश फुलफिलमेंट के लिए। फिर से वो एक कार्ड वापस आ गए हैं, तो 9-9 की एनर्जी है, फिर से 9 है और ये भी 9 था, तो 999 यहाँ पर आ चुके, कोई ना कोई साइकिल तो यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ लेके आने के लिए, और विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, और उनका विश फुलफिलमेंट है आपके तरफ न्यू बिगिनिंग करना, एक्शन लेना, और फिर से न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स है। ओके, माइजर क्यों आया है एंजल यहाँ पर, माइजर क्यों आया है, फिर से देखिए आज 9 की एनर्जी है, तो फ्रूट जो राइपनेस का कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटिकल ही है, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आ चुके हैं, दोनों डेक से कंफर्मेशन है। विद द मिसिंग एनर्जी 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये एग्जॉशन की एनर्जी आ चुके हैं, यहाँ पर पहला कार्ड जो एग्जॉशन था वही वाला एनर्जी है, तो कोई ना कोई साइकिल यहाँ पर एंड होगा, और आपके पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, काम करेंगे, और मून की एनर्जी फिर से आ गया है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके पर्सन हो रहे हैं, ठीक है, और जजमेंट चाहते हैं। देखिए दिख रहा है कार्ड आपको, तो जजमेंट चाह रहे हैं आपके पर्सन, दोनों सेम कार्ड्स, देखिए मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कितना सेम कार्ड्स आए हैं दोनों डेक से, तो मेजर जजमेंट आपके पर्सन दिखा रहे हैं, यहाँ पर नंबर देखिए XXXX, तो दोनों सेम कार्ड हैं, जजमेंट आपके पर्सन चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, काम करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ओके, जहाँ पर अटके हुए हैं वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में है, कुछ सिचुएशन में वो स्टैंड लेने के लिए डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनको ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, एग्जॉशन में वो फंसे हुए हैं। अगर कोई डर था एक्शन लेने में, तो यहाँ पर आपके पर्सन डिसीजन ज़रूर लेंगे और आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए ये आप हो और आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जेवर के तरह खुद के पास रखना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तो अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आपको ग्रो करना चाहिए, 9 ऑफ पेंटिकल की तरह बनना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकली स्टेबल होना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, चारों तरफ से, मतलब आप अपनी खुद के लाइफ के डिसीजन खुद ले पाओ, खुद का जो खर्चा है वो खुद उठा पाओ, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, और आप अंदर से बाहर से खुद को जो है निखारो, अपना एक पर्सनालिटी बनाओ, ऐसा वो चाहते हैं। अगर ऐसा कोई हो तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू क्यों आया है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन इन सारे चॉइसेस से, प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। फिर से आ गए देखो 6 ऑफ सोर्स, जो कि यहाँ पर था बार्डन नंबर 6 दिख रहा है आपको, दोनों कार्ड सेम है, तो आपके पर्सन इन सारे चॉइसेस से बाहर आने के लिए खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद चाह रहे हैं, खुद मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं, और फिर जस्टिस को जस्टिस नहीं क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए तो दोनों डेक से सेम कार्ड आ रहे हैं गाइस, आज के दिन में आता है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा सेम कार्ड्स आए हैं, तो जस्टिस ज़रूर होगा, और जस्टिस के साथ जजमेंट भी आया है, डबल कंफर्मेशन यहाँ पर जजमेंट के कार्ड ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो मेजर कोई डिसीजन होगा आपके तरफ, आपके पर्सन लेंगे इस, यहाँ पर नहीं निकल के रखे हैं मैंने कार्ड, आया था ना जस्टिस, सॉरी जजमेंट, तो आपके पर्सन जो है खुद ही चाहते हैं इन सारे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, और मेजर जो है डिसीजन वो लेंगे,
बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है, बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है प्लीज आंसर गाइड मी, बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है, बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है। देखिए तो आपके तरफ मेजर डिसीजन वो लेंगे, ठीक है। डेस्टाइन है आप दोनों का रिश्ता, अगर डेस्टिनी में है आप दोनों का एक होना मिलना फ्यूचर में, ठीक है। तो आप दोनों का शादी होगा, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो वापस आएंगे। तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का आज के दिन में रीयूनियन होगा या फिर आने वाला टाइम में रीयूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए बहुत क्विकली आ रहे हैं आपके पर्सन आपके तरफ, तो मेजर डिसीजन आपके पर्सन लेंगे क्योंकि जस्टिस के साथ जजमेंट दोनों डेक से आए हैं विद द, यहाँ पर देखिए लवर शादी और किसके साथ आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है, ठीक है। तो ज़रूर ज़रूर आप लोगों का जो है रियूनियन होने वाला है, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगे लेकिन रियूनियन ज़रूर होगा आपके रिश्ते में, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। और सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा आप लोगों को। सक्सेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर, सक्सेस क्यों आया है प्लीज एंजल गाइड मी, सक्सेस क्यों आया है, न्यू बिगिनिंग होगा सक्सेसफुली, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनल है आपकी तरफ, तो 5-5 की एनर्जी है, मेजर चेंज आएंगे इस रिश्ते में। किसी के साथ फाइट हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रहा है, जिनकी वजह से आप दोनों के भी सेपरेशन आया है, वहाँ पर फाइट हो रहा है, मेजर चेंज आएगा और आपको सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा आने वाला टाइम में। आपके पर्सन आपके लिए लड़ेंगे, स्टैंड लेंगे, ठीक है। और शादी के लिए प्रपोजल भी कर सकते हैं क्योंकि विक्ट्री का जो कार्ड है वो शादी के भी कार्ड से, तो हर तरीके का सक्सेस आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आज के रीडिंग है, कैसा विश फुलफिलमेंट होगा, एग्जिस्टेंस क्यों आया है एंजल, कैसा विश फुलफिलमेंट होगा। पेज ऑफ बैंड्स, तो वो खुद को प्रिपेयर कर रहे कुछ सिचुएशन को काट ऑफ करने के लिए, कुछ पावरफुल डिसीजन उन्होंने लेने के लिए, ठीक है। शादी से रिलेटेड अगर कुछ सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, कुछ बर्डन में हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन आया है, ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच ब्रेकअप है, तो उन सारे ऑब्स्टिकल को सिचुएशन को वो काट ऑफ करेंगे और आपके तरफ आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड पावरफुल इंटेलिजेंट वो देख रहे हैं। और अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक से मैरिड है, किसी थर्ड पार्टी से मैरिड है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दो कार्ड्स विद द ब्रेकअप यहाँ पर आए हैं, ठीक है, विद द सन आया है यहाँ पर बॉटम से, ठीक है। तो एक्शन जरूर लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ, और जिन भी बर्डन में फंसे हुए हैं, जिन भी चीज़ में फंसे हुए हैं उन सारे सिचुएशन को काट ऑफ करेंगे और जो है आपके तरफ आने के लिए कोई पावरफुल बोल्ड डिसीजन बोलेंगे और एक्शन भी होगा, ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगा, ठीक है। अगर आपके पर्सन कोई कार्मिक से मैरिड है, थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो वहाँ पर भी एक्शन होगा, बाहर आएंगे आपके पर्सन, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच जो है सेपरेशन आया है, तो यहाँ पर यूनियन हो सकता है, एक्शन हो सकता है आपके पर्सन की तरफ के तरफ से। यही आपके पर्सन भी प्रे कर रहे हैं और आप भी प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि आप लोग का जो विशेष है वो सक्सेसफुल हो। और जो भी ऑब्स्टिकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर दुखी है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। देखिए एक के बाद एक कार्ड्स आप देखिए जस्ट, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है, क्वीन ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ कप्स है एंड एट ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में है। हो सकता है कि कार्ला दोनों ने रोया हो छुप छुप के, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। तो बॉटम से इन सारे कार्ड जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन को दिखाता है, हो सकता है किसी किसी के पर्सन रोए भी हो, तो ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, ठीक है, अगर आपको सुनाई दिया है तो यहाँ पर हर रोज़ ही कोई ना कोई ड्रामा होता है, उसके लिए सॉरी है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। और मैं दिखाने वाला था ना कि सारे कार्ड्स आए हैं, तो मैंने दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, फिर से हर रोज ही रीडिंग में करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, तो आपको पता होगा कौन से कार्ड सेम है। तो ये जो कार्ड है ये नाइन ऑफ बैंड्स है जो वहाँ पर आया था, और ये जो कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, जो माइजर को क्लैरिफाई किया था, नाइन ऑफ पेंटिकल एक लेडी यहाँ पर था। तो सेम कार्ड्स ये आए हैं दोनों डेक से,
तो इना जी काफ़ी हद तक जो है एक्यूरेट हैं कि दोनों डेक से सेम कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं या फिर इधर उधर करके क्लैरिफाई कर रहे हैं। रीडिंग में स्प्रेड में दोनों डेक से सेम कार्ड आ रहा है, मतलब इना जी जो है आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड मेरे व्यूअर्स कि उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल गाइड माय व्यूअर्स कि उनको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड करो कि उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल गाइड माय व्यूअर्स। क्वीन ऑफ केस, आपको स्टेबल होना होगा। ओके, तो आर्कएंजल माइकल, तो आप लोगों का लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाले है, पॉसिबिलिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है। उसके लिए आपको खुद की पेंटिकल को ऊपर ध्यान देना होगा, स्टेबल होना होगा, प्लानिंग करना होगा, या फिर आपके सोसाइटी में या फिर आपके घर के आसपास कोई फाइट भी हो सकता है, तो अलर्ट रहिएगा। ठीक है, और कुछ दो सिचुएशन में आप लोग जागल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई एक डिसीजन जरूर लेना होगा, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना होगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। और यहाँ पर काउंटर पार्ट आ गए हैं, तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो गाइस, या फिर आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं किसी और से, या फिर आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हो। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहे हैं, तो रियूनियन भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हो सकते हैं। एकासिक फील्ड, तो पॉसिबिलिटी हैप्पीनेस ग्रोथ, ठीक है, और स्पिरिचुअल नॉलेज गेन होगा आपको, विल पावर गेन होगा। और क्या है आप इन द ईयर, तो आप लोग जो है स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, अपने लाइफ में ग्रो करोगे, ऊपर उठोगे। ठीक है, और आपके पर्सन के साथ रियूनियन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रियूनाइट एनर्जी में है। ठीक है, तो जितना आप अपने लाइफ में फोकस करोगे, ग्रो करोगे, ऊपर उठोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करोगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा जो है आप दोनों का रियूनियन करीब होगा। दी टेजर, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट चल रहा है, फाइनेंशियली वीक हो आप लोग, तो फिलहाल जो है फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, तो वो सिचुएशन जो है आने वाले टाइम में सही हो जाएगा। फिलहाल आपका प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए एंजल डेक से कुछ आंसर्स लेते हैं, एंजल आंसर्स हर रोज़ की तरह, कि एंजल इस सिचुएशन में आपको क्या बोल रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। नो, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर नो है। और नेगेटिविटी को, नेगेटिव चीज़ों को हमेशा ही नो करो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ हफ्तों के अंदर आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकता है, या फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मिल सकता है। बी एसआरटी पॉजिटिव रहना है, अगर दोनों सिचुएशन में फंसे हुए हो तो वहाँ पर एक सिचुएशन को चूज़ करके उसके ऊपर काम करना है। अनलाइकली कुछ सिचुएशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डोंट स्टॉप, जो भी आप कर रहे हो करते जाओ, आगे बढ़ो। ट्रस्ट और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट और फेथ रखो, जिन भी डिवाइन पर आप भरोसा करते हो, बिलीव करते हो। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रह के आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक बार सोच रहे हो कि हाँ मेरे पर्सन आ जाएंगे, रीयूनियन हो जाएगा, फिर दूसरे पल आप सोच रहे हो कि नहीं हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो, आपको पॉजिटिव रह के काम करना है। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हेल्थ इशूज़ है किसी का, ठीक है, आपके घर में, या फिर आपका, या फिर आपके पर्सन के भी हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान दो खुद के हेल्थ के ऊपर, और रिकॉन्सिडर, अगर आपका कोई गलती है तो वहाँ पर जाके आपको रिकॉन्सिडर करना चाहिए। यू आर रेडी, तो कुछ लोग रेडी हो। ठीक है,
तो गाइस ये था आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कर देना। जो लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो लोग न्यू व्यूअर्स हो उन लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, ताकि आपका मेरे जो वीडियोस होते हैं मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओके तो गाइस टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड आल्सो अदर्स। जितना हो सके दूसरों का हेल्प जरूर कर देना। ओके तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।